नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? हाँ, मजे में रहने का, टेंशन नहीं लेने का। आज समाज में यह चल रहा है कि अगर आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए मगर वो किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि बताएगी तो फिर घर वालों की इज्जत जाएगी, लोग क्या सोचेंगे। यही सब चक्कर के अंदर ना वो बेटियां अपने जिंदगी का फैसला ना ये समाज पे छोड़ती है, और फिर क्या होता है देखिए खुद। यूपी के सहारनपुर से आर्यन निमृत। भाऊ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। शादी के मंडप में मेरा होने वाला पति मुझे छोड़ के चला गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। और मेरे घर वाले जबरदस्ती किसी और से मेरी शादी करवा दी है। किससे? भाग, जो लड़का भागा उसके पिता, यानी कि मेरे होने वाले ससुर, उनसे मेरी शादी हो गई। ओए, मुझे ये बात बताओ कि मंडप से आपका जिसके साथ शादी होने वाली थी वो भाग गया, फिर जो आपका पति का बाप है उसके साथ शादी वो किसने करवाया, कौन किया? बाबू, जब मंडप पे मेरा पति भाग गया तो मेरे घर वाले गांव में बदनामी होने के डर से और बेइज्जती होने के डर से ये बोल के कि मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, मेरी शादी शायद किसी लड़के से ना हो, इस वजह से मेरे ससुर से शादी करवा दिया उनके कहने से। अच्छा, और अभी आप क्या चाहते हो? भाऊ, मैं एक साल से उसे छोड़ना चाहती हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर वाले खुद ये नहीं चाहते कि मैं उन्हें छोड़ू। मैं बोल चुकी कितनी बार कि मुझे नहीं रहना उनके साथ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो कह रहे तुम्हारी किस्मत है, किस्मत समझ के अपना लो। कैसे अपना लो भाऊ, हर रात मेरे रूम में ही मेरे बिस्तर में मुझे गंदी तरीके से चूता है, मेरे रोंगटे खड़े होते, मुझे बहुत घिन आती है, मैं कब तक ये अनदेखा करूं वो? जा बेटा, तू पीछे बैठ, मैं तेरे साथ है, टेंशन नहीं लेना, जा जा मेरा बच्चा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मुखिया हैं हम। तो काफी चलती है हमारी। हाँ, फिर? और शहर में काफी लोग हमारी इज्जत करते हैं। हाँ, और रिस्पेक्ट भी देते हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जुबान में कंट्रोल रखिए, कंट्रोल की। ये जो ये निमृत और जो तेरा जो चल रहा है ना, वो उसके बारे में बता, क्या है ये लड़की की शादी टूटी हुई थी, हमने शादी कर ली तो क्या गलत किया हमने? अबे चुतिया, तेरी उम्र देख, एक ना एक पैर तेरा केले के छिलटे पे है और एक कब्रिस्तान में, जरा भी 19-20 हो गया ना तो सीधा राम राम, समझा क्या? लेकिन साले तो सिर्फ ना हवस के चक्कर में, ना हवस के चक्कर में उससे शादी कर लिया, मजबूरी का फायदा उठाया साले तूने। देखिए, आप टीवी में बुला के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे तो साले, ये तो अभी शुरुआत है, तो अभी जानता कहाँ पे मुझे? देखिए, आप हद से ज्यादा जा रहे हैं। तो उखाड़ ले जो उखाड़ना है वो।